नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का था जनरल साइंस करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। आज के स्टेज के अंदर हम आपको जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें तो 40 में से 30 सही करके हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं जी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए ताकि आप लोगों को डेली ये वीडियो मिल सके और आप अपने एग्जाम के ऊपर अच्छे से तैयारी कर रखें जी। फ्रेंड्स, जो भी ये साथी रेलवे एग्जाम, NTPC, RRC, ग्रुप डी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको यहाँ पर पूरा पूरा फायदा मिल सके। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़कर यहाँ पर अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए राइट आंसर। यहाँ पे राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, कमेंट करिए। देखिए कहाँ पर है, फरीदाबाद। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है। तो देखिए लोटस टेम्पल जो है दिल्ली के अंदर है, इसका किस धर्म से संबंधित है, बहाई धर्म से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया, देखिए भाग दो में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो देखिए राइट आंसर होगा 27 अप्रैल 1914 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चीन के संसद को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करिए फटाफट। तो किस नाम से, देखिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है। देखिए कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए कहां पर है ओबरा बांध, रिहंद नदी पर। ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। देखिए समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, देखिए 16 अक्टूबर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो राइट आंसर हो गया पे केरल राज्य में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो देखिए राइट आंसर होगा जलकुंभी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आंसर होगा हिप्पल्स। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा सालसेट द्वीप। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी। देखिए फ्रेंड, सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी, जॉन मिल ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है। तो राइट आंसर होगा कपास। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा 20 अगस्त। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था।
राइट आंसर होगा 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राइट आंसर होगा 1992, ऑप्शन डी 1992 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है तिब्बत के अंदर सांगपो, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर। मालदीव की आधिकारिक भाषा देखिए कौन सी है, दिवेही, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए राइट आंसर होगा 1991, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल है? तो राइट आंसर होगा देखिए लोथल, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? देखिए राइट आंसर होगा 1926, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? देखिए राइट आंसर होगा 4 राज्यों से, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी देखिए 12, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं देखिए, अधिकेंद्र, ऑप्शन बी यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर होगा भारत और भूटान, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा 2003 में, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राइट आंसर होगा 1990, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगाता है? कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा देखिए 1950 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार प्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है? जबलपुर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राइट आंसर होगा देखिए अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा देखिए 1950 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करिए फटाफट राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा देखिए 1860 में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो ताकि सभी लोग यहाँ पर जुड़कर अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल दिखाई देगी, उस पर क्लिक करिए ताकि डेली आपको ये वीडियो मिले और आप अपने एग्जाम के ऊपर अच्छे से तैयारी कर सकें। जी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आज का 40 में से आपका स्कोर क्या रहता है, हमें कमेंट जरूर करिए, और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।